खबर ग्वालियर से, जहां स्टेशन पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक दंपति अपनी 6 महीने की बच्ची के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लिफ्ट में फंस गया था। अचानक लिफ्ट बंद हो गई और स्टेशन पर हंगामा मच गया। बिजली जाने से यह लिफ्ट बंद हो गई थी। अंदर लिफ्ट में बच्चा और उसके माता पिता गर्मी व घबराहट से पसीना पसीना हो गए थे। घटना का पता चलते ही तत्काल रेलवे का अमला पहुंचा और जनरेटर से लिफ्ट ऑपरेट कर परिवार को बाहर निकाला। लिफ्ट से बाहर निकलते ही माँ ने बच्चे को चूमा और स्टाफ को धन्यवाद देकर अपने घर के लिए निकल गए। यदि लिफ्ट कुछ देर और नहीं सही होती तो घुटन से जान भी जा सकती थी। ग्वालियर निवासी दंपति श्वेता व अनिल कुमार अपने 6 महीने के मासूम के साथ किसी ट्रेन से ग्वालियर के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचे थे। उन्हें सर्कुलेटिंग एरिया में जाना था। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने के लिए वह लिफ्ट में सवार हुए थे। अभी लिफ्ट चली ही थी कि अचानक बिजली गुल हो गई और बंद हो गई, जिससे दंपति अपने मासूम के साथ लिफ्ट में लॉक हो गए। इसके बाद बच्चे के परिजन अंदर से शोर मचाने लगे। इस पर वहां हंगामा मच गया। मामले की सूचना रेलवे व जीआरपी तक पहुंची। लिफ्ट में फंसा देख दंपति ने लिफ्ट के अंदर लिखे डिप्टी एसएस के मोबाइल नंबर पर इस मामले की जानकारी देकर तत्काल लिफ्ट से बाहर निकालने की गुहार लगाई। सूचना मिलने के 10 मिनट बाद बिजली की आपूर्ति जनरेटर से बहाल करने के बाद ही लिफ्ट ऑपरेटर मौके पर पहुंचा और बच्चे सहित दंपति को बाहर निकाला। स्टेशन पर लगी लिफ्ट का उचित रखरखाव नहीं किए जाने के कारण लापरवाही का आलम यह है कि स्टेशन पर इंस्टॉल की गई इन लिफ्टों में लगी लाइटें भी असामाजिक तत्व चोरी कर ले गए हैं। ऐसे में रात के समय में मुसाफिरों को अंधेरे के बीच ही लिफ्ट का उपयोग करना पड़ता है। वहीं लिफ्ट ऑपरेट करने के लिए तैनात किए गए ठेकेदार के कर्मचारी नदारद ही रहते हैं। यदि आप स्टेशन पर लगी लिफ्ट का उपयोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 4 नंबर या इन प्लेटफॉर्मों से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने के लिए कर रहे हैं तो सावधान रहें। आप रेलवे की इन लिफ्ट का उपयोग रेलवे के लिफ्ट ऑपरेटर के साथ ही करें, क्योंकि उचित मेंटेनेंस नहीं किए जाने के कारण प्लेटफॉर्मों पर लगी ये लिफ्ट कभी बिजली जाने या फिर तकनीकी खराबी आने के कारण बंद हो सकती है।